चलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और रियल लाइफ के। ठीक है, तो पहले इस चैप्टर के बारे में जानते हैं कि चैप्टर क्यों आया और ये किस लिए। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको कोई एक बैग से पैसे की ज़रूरत पड़ गई इमरजेंसी, उस टाइम आपके पास पैसे नहीं हैं, तो फिर आप पैसे कहाँ से लाएंगे? तो आप गए किसी पर्सन के पास और आपने बोला कि भैया मुझे 500 रुपया दे दो, मैं आपको उसके बदले में इंटरेस्ट दूंगा। अब आप जानते हैं इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? दिलचस्पी। अब उसको थोड़ा लालच आ गए, चलो भाई 500 रुपया देंगे, उसके बदले में कुछ मुझे रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जितने मनी का वो यूज करेगा जितने दिन तक, उस पर कुछ रिटर्न मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट हमको दो टाइप से मिलते हैं। ठीक है, एक हमको मिलता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ESI। सेकेंड मुझे मिलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ CI। ठीक है, अब हमको सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या निकालना पड़ना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो हमको इसका फॉर्मूले के बारे में सोचते हैं। एक फॉर्मूला होता है ESI, सिंपल इंटरेस्ट में हमको इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। तो ESI इक्वल टू, मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, ठीक है, P इंटू R इंटू T बाई 100। ये 100 क्यों आया? क्योंकि रेट जो होता है परसेंटेज में होता है, तो परसेंटेज जब भी होता है उसके नीचे 100 होता ही है, तो R ये परसेंटेज 100 आता है इसके लिए। ठीक है, अब ये इसका फॉर्मूला हो गया। बस आपको ये कि यही याद रखना होगा, इसी से सारे फॉर्मूला डिराइव हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम सब सबको एक एक करके बताएंगे कि हमको क्या क्या निकालना पड़ता है। मेनली हमको इसमें एक आई के बारे में पढ़ना होगा जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको पी के बारे में पढ़ना होगा जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल। उसके बाद आर के बारे में, रेट। उसके बाद टी मतलब टाइम, बस। और उसके बाद एक अमाउंट, यही जो है 5 हमको फाइंड करने के लिए एग्जाम में आएगा, बस यही 5। और इसी 5 को हमको ढूंढना पड़ेगा, इसका 5 का फॉर्मूला वो मुझे याद करना होगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमको इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल से डेवलप करते हैं। अगर हमको बोला जाए कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब वो होता है जो अमाउंट आप किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। मान लेते हैं प्रिंसिपल 500 है, रेट मान लेते हैं 5% है, और टाइम मान लेते हैं 2 ईयर्स है। ठीक है, और मुझे बोल रहा है कि आप इसका इंटरेस्ट निकालिए, मतलब आई। फॉर्मूला यह है ESI इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो क्या हो जाएगा? 500 इंटू आर, आर कितना है 5% डिवाइड बाई 100, इंटू टी कितना है 2 ईयर्स, ये 2 से 2 गुण, ये हो गया क्या 50। ये मुझे इंटरेस्ट निकल के आ गया। ठीक है, इंटरेस्ट निकल गया। अगर सपोज दैट इंटरेस्ट निकल गया, आप बोले कि आपका अमाउंट, अमाउंट वो होता है जो एक टाइम पीरियड के बाद जो मिलता है उसे अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट में टोटल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऐड रहता है, तो अमाउंट का ये भी निकल सकता है, अमाउंट इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट कितना है मेरा 50 रुपीज़, और प्रिंसिपल कितना है 500, इक्वल्स टू क्या हो गया 550। ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा ये अमाउंट हो गया। ठीक है, अमाउंट हो गया। अब ये तो इंटरेस्ट और अमाउंट निकल गया। अब इसी फॉर्मूला से हम एक ड्राइव करके इसका सबका फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे सपोज दैट ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये है ना। अगर मान लेते हैं हमको पी
निकालने का बोलेगा तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आई और देखिए ये गया इधर, ये इधर, तो आई और 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई इंटू 100 हुआ। हम पी निकाल रहे हैं, पी इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखिए हम इसमें से पी ले लिए, ऊपर वाले में से पी ले लिए, बच गया क्या, आर और टी, आर और टी हो गया पी। उसी तरह अगर मुझे आर निकालना हो तो आर कैसे निकालेंगे, देखिए आई इंटू तो 100 होगा ही होगा, आई इंटू 100। अब इसमें से पी आर टी में से हम आर ले लिए, बच गया कि कौन कौन, बच गया पी और टी, तो पी और टी। उसी तरह मुझे टी निकालना हो तो आई और 100 तो रहेगा ही, आई इंटरेस्ट, और पी आर टी में से टी चले आए, यहाँ पे टी निकालना ही है, तो बच गया क्या, पी और आर, तो पी और आर, ठीक है। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला होता है, जो अगर सपोज डेट मुझे ये डायरेक्ट अमाउंट निकालना हो तो ये कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट का फॉर्मूला भी होता है, अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर टी बाई 100, ठीक है। अब देखिए ये पहले वाले एग्जांपल में लेते हैं, इसी वाले में, तो इस वाले में क्या था, हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ था 500, ठीक है। अब 1 प्लस आर कितना है, आर 5% है, और टी क्या है, 2 इयर्स है, मतलब 2 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 और यह जाएगा 1 प्लस 10 बाई 100, ये कट गया 10, ये हो गया 500 इंटू 110, ठीक है, 110 बाई 100, ये कट गया 2020, ठीक है। अब ये हो गया 5 से, तो हो गया अमाउंट निकल गया यहाँ डायरेक्ट। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है जो डायरेक्ट अमाउंट निकलता है, ठीक है, ये रहा। अब उसी तरह मुझे इसी में अगर मान लेते हैं कि इसी वाले एग्जांपल में लेते हैं कि अगर मुझे दिया रहे कि दिया अमाउंट दे दिया, अमाउंट दे दिया 550, ठीक है, प्रिंसिपल दे दिया 500, ठीक है, और आर दे दिया मुझे 5%, ठीक है, ना है ईएसआई, और मुझे निकालना है टी, 2 निकालना है, ठीक है। अगर सपोज दैट अगर अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, तो मैंने बोला था कि अमाउंट में अगर प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ते हैं तो क्या आता है, अमाउंट आता है। तो उसी तरह अगर अमाउंट दिया हो, अमाउंट दिया हो और उसमें से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल, क्या जाता है मुझे, आ जाएगा इंटरेस्ट। मान लेते टोटल अमाउंट है 500, उसमें से प्रिंसिपल है ये, ठीक है, अमाउंट कितना है 550 हो गया, और प्रिंसिपल है 500, ठीक है, तो इंटरेस्ट हो गया 50 रुपया हो गया। अब मुझे टी फाइंड करना है, टी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे है, देखिए आई इंटू 100 डिवाइड बाई पी इंटू